Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome khushamadeed Jianu and Pakhair Agli to all my very beautiful listeners who are listening in. Who am I? This is me, myself and I, Kiratul Anabasi. तो कैसे हैं जनाब आप सब लोग, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है और मुझे कितना सारा मिस किया आप लोगों ने। मैंने तो आप लोगों को बहुत 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 सारा मिस किया, बहुत सारा सच्ची। ऑलराइट, PSL 6 इज ऑन मैन। जब PSL हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और बात बनती है, इवन दो हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, मैं पीछे कैसे रह जाऊं। तो जनाब PSL कैसा चल रहा है आप लोगों का? दिशम दिशम फाइटिंग हो रही है। किसकी फाइटिंग हो रही है बताती हूँ मैं आप लोगों, मैं बताती हूँ, ठीक है। मैच की सूरत हाल तो आपको कहीं ना कहीं से पता चली जाती है, लेकिन मेरा काम क्या है वो बताना है आपको कि समझ रहे ना, बताती हूँ। तो जनाब PCB वालों ने फाइनली कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए हैं अपने खिलाड़ियों को। उन्होंने डिसाइड किया है कि कौन जाने वाला है कैटेगरी ए में, बी में और सी में। जनाब ए बी के बारे में तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी है जिससे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सी कैटेगरी का, लेकिन उसने उस पर भी शुक्र अदा किया है। सोचें वो कौन हो सकता है जनाब? अरे वही जिनकी जो मूछें हैं उनसे बड़ी हैं। आप लोगों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बात कर रही हूँ फवाद आलम की। जी जनाब, फवाद आलम को PCB वालों ने फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, लेकिन उनको प्लेस किया गया है सी कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा जी जनाब, दूसरा कौन सा प्लेयर है जिसे सी कैटेगरी दी गई है, वो है हमारे प्रोफेसर साहब, यानी कि जिनको मोहम्मद हफीज़ के नाम से लोग जानते हैं। उन्हें भी सेम कैटेगरी में प्लेस किया गया है, जिस पर हफीज़ जो है उन्होंने वॉकआउट कर दिया, एहतजाज कर दिया। उन्होंने कहा है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से जो है मैं इसे नहीं मानता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। खैर ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो चाहें तो वो कॉन्ट्रैक्ट लें और चाहें तो ना लें, तो इसके बारे में हम कोई और बात नहीं करें। लेकिन ये बात आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी, तो मैंने आप लोगों को बताया। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या हफीज़ को सी कैटेगरी में प्लेस करके PCB ने कोई ठीक कदम उठाया है या नहीं, तो बता सकते हैं आप लोग कैसे। youtube.com/naisubah। जी जनाब, दिस इज़ द वे थ्रू विच यू कैन टेल अस एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड। सोच क्या रहे हैं, इंतज़ार किस बात का है, आ जाएं और कह डालें जो आप कहना चाहते हैं। OMG BMW Mercedes, oh I love it। खैर ये एक गाना था, लेकिन यहाँ पर OMG मैंने क्यों कहा है? जी जनाब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक वीडियो है जो इस वक्त हर जगह चल रही है, और वो है हमारी और आपकी और हम सब की बहुत प्यारी सेल्फी क्वीन की। कौन है सेल्फी क्वीन, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते, आप तो जानते होंगे। अरे वो वाला बंदा, अरे हाँ आप से ही बात कर रही हूँ। अब मुस्कुराओ नहीं, बताओ, जानते हो ना, है ना, घुन्ने बन रहे हो ना, बहुत ही घुन्ने हो। खैर मैं बता देती हूँ कि कौन है मैं बता देती हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी जनाब, मैं बात कर रही हूँ इस वक्त नेहा कक्कड़ की। जी जनाब, तो नेहा कक्कड़ OMG वीडियो के साथ जो है फेसबुक कहने वाली थी, ओहो क्या हो गया मुझे, हर चीज़ में फेसबुक नज़र आता है, यूट्यूब पर छाई हुई है, क्योंकि उनको यूट्यूब ने दिया है डायमंड क्रिएटिव अवार्ड। क्रिएटर है या क्रिएटिव है, थोड़ा सा मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, अगर मैंने गलत बोला है तो मैं पहले से माजरत कर रही हूँ। उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, और किस बेस पर दिया गया जनाब, 10 लाख सब्सक्राइबर, कोई हलवा है, कोई मामूली बात है। तो नेहा ने 10 लाख सब्सक्राइबर अपने पूरे कर लिए हैं, और जो सुजैन है, अरे कोई मेरी, कैसे मैंने सुजैन कह दिया, कोई मेरी खाला की पुप्पो की लड़की थोड़ी है, लेकिन जो YouTube की CEO है जी जनाब सुजैन ने उनको एक अप्रिसिएशन लेटर भेजा है, जो उन्होंने बाकायदा पढ़ के सुनाया है अपनी इस वीडियो में। और इस वीडियो में के स्टार्ट में वो कहती हैं OMG करके, वो जैसे नेहा का एक ख़ास तरीका है ना, थोड़ा सा इतराने का, दाएँ दिखाने का, तो बिल्कुल उस तरीके से नेहा ने ये सेम किया है। एंड शी इज़ सो क्यूट यार, कुछ जगहों में वो बहुत क्यूट एक्ट करती है। तो आप बताएं, क्या वो कहती है ना, कहते मुझको सेल्फी क्वीन, मेरे गानों के शौकीन, तो क्या आप भी हैं नेहा कक्कड़ के गानों के शौकीन या फिर नहीं, तो आप मुझे बता सकते हैं बिल्कुल। www.youtube.com नई सुबह, फिर से वही रास्ता है हम तक आने का।
ऑलराइट लिसनर्स, हम लोगों ने बात की नेहा कक्कड़ के बारे में, पीसीबी के बारे में कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए वगैरह वगैरह, लेकिन अब मैं बात करने वाली हूँ ड्रामे के बारे में, ड्रामे के बारे में जो हम सब करते भी रहते हैं और मुझे तो लगता है कि हमारी ब्लड में जो है ना ड्रामा भरा हुआ है, ठीक है ना। इवन दो अगर हम अपने पॉलिटिशियंस को देखें, पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी चाहिए, बच्चे गैर सियासी होते हैं और मैं तो बहुत ही ज़्यादा गैर सियासी हूँ, लेकिन क्या बात, बच्चे मासूम भी तो होते हैं ना, सच बोल भी देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा सच के जो है, क्या बात कर रही थी, हो जाता है कभी कभी आप लोगों के साथ बात करते करते ना, मतलब मैं असल वाले मौजू से हट के पता नहीं कहाँ कहाँ पर चली जाती हूँ, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी ड्रामे की, तो जनाब ड्रामा आज इसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, वो ड्रामा है, मुझे भी खुदा पे यकीन है, बहुत खूबसूरत ड्रामा, डायरेक्टर जो है सलीम है जनाब, और इसमें एक्टिंग कौन कर रहा है मेन लीड के बारे में बता देती हूँ जनाब। इसके अंदर मौजूद हैं हमाद यानी कि आगा अली, इसके अलावा मौजूद हैं यहाँ पर निमरा खान जो कि प्ले कर रही हैं रिदा का रोल, जो कि हमाद की वाइफ है। तीसरी खातून है यशमा जो कि नाजनीन का रोल प्ले कर रही हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग रोल में है गुले राना, लाइक हु इज़ गुले राना, बताओ बताओ कौन बताएगा, अच्छा चलो जो बताएगा तो मेरी तरफ से कुछ भी नहीं एक बड़ी सी चॉकलेट खरीद के खा लेना मेरी तरफ से, ठीक है ना आप लोग। ऑलराइट आ जाओ, जो ज़्यादा हर्षो नहीं, ठीक है अभी हो गया ना, मैं बताती हूँ कौन है जी जनाब। रक्से बिस्मिल के तो बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं यहाँ पर, है ना, मैं भी हूँ। तो रक्से बिस्मिल अगर तो देख रहा है वो जानता है कि जोहरा की अन्ना जी कौन है, याद आया कुछ। तो मुझे भी खुदा पे यकीन है इसमें ये शाकरा का रोल प्ले कर रही हैं, जबकि रक्से बिस्मिल में ये अन्ना जी का रोल प्ले कर रही हैं। दोनों रोल नेगेटिव हैं, इससे पहले तक इन्होंने जितने भी रोल किए हैं बहुत पॉजिटिव थे, माँ बनी किसी में, मतलब इस तरह से ना कुछ माँ टाइप रोल ना, लेकिन अभी नेगेटिव रोल में बहुत कोई जानदार किस्म की एक्टिंग कर रही है। मुझे इनकी एक्टिंग पर्सनली बहुत पसंद आई है, लेकिन मैं फिर भी मैं इनका क्यों बता रही हूँ, मतलब मेन लीड छोड़ के मैं क्यों गुले राना के पीछे पड़ गई हूँ। हाँ जी, तो बताने की हानिया आमिर की, नहीं 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 हानिया आमिर की कुछ नहीं लगती, हानिया आमिर की ना होने वाली सास, अब समझ में आया किसी को, आया क्या कहते हो भाई आप लोग, आसिम अजहर को कौन नहीं जानता। पिछले कुछ दिनों से, मतलब कुछ टाइम पहले तक आसिम अजहर और हानिया आमिर जो थे वो एक क्यूट कपल थे, रिलेशनशिप में थे और उन्होंने पब्लिक किया हुआ था अपने रिलेशनशिप को, एवरीवन नोस, लेकिन सडनली क्या हुआ, दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो गया। तो जी जनाब ये जो गुले राना है यानी कि शाकरा है इस ड्रामे में, वो आसिम अजहर की वालदा हैं, ड्रामे वाली नहीं सच्ची मुच्ची की वालदा है, हाँ सच्ची। तो बातों में हानिया आमिर आ गई, तो हानिया आमिर के मुताबिक मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि हानिया आमिर नाउडेज किसके साथ चर्चा में चल रही हैं जनाब, फिरोज़ खान। जी जनाब ये वही फिरोज़ खान है जो बोल में जो उमैमा मलिक आई थी ना, उनके ये सगे भाई हैं, इनकी शादी हो चुकी है। हाय दिल टूट गया ना बहुत सारे लोगों के, नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, शादी हो गई है उसकी, ठीक है ना, आप चांस वांस किसी के लिए नहीं है। तो शादी हुई, उनका एक बेटा भी है सुल्तान खान, खूबसूरत नाम। लेकिन सीन क्या है, सीन ये कि उन्होंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स कर दी है, मीडिया की जो न्यूज़ है अभी तक फेक है, सच है कुछ अता पता नहीं है इसके, मतलब कोई कन्फर्मेशन नहीं दी है अभी तक। फिरोज़ खान तो इससे कर रहे हैं इनकार के नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक हैप्पीली मैरिड इंसान है, वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन इन्हीं फिरोज़ खान का हानिया आमिर के साथ जो है समझ तो आप गए होंगे, समझदार, बहुत समझदार लोग हैं मेरे लिसनर्स, तो खास तौर पे सी ना समझदारी तो ख़त्म है आप लोगों पे, सीरियसली यू गाइस आर अमेजिंग। ऑलराइट, तो ये ड्रामा आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो रेकमेंड कर रही हूँ, ड्रामा देखें, बहुत अमेजिंग, बहुत मज़ेदार, खूबसूरत सा ड्रामा है, डेली आता है तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, हफ्ते में दो एपिसोड आती हैं, यानी कि यक ना शुद्ध दो शुद्ध। ऑलराइट लिसनर, अब हम बात करने वाले हैं मिस इंडिया, नहीं नहीं जनाब मिस इंडिया 2020 की, जो कि कौन बनी मैं नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि ये सब आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन मिस इंडिया की रनर अप कौन है और लोग उनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, और मिस इंडिया की जिसने ट्रॉफी ली है, जिसने टाइटल लिया, जिसने क्राउन लिया, लोग उसके बारे में इतना बात नहीं कर रहे जितना रनर अप के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों, इस क्यों का जवाब देने वाली हूँ मैं आपको जी जनाब, क्योंकि मान्या सिंह, जी जनाब मान्या सिंह उनका नाम है जिन्होंने रनर अप का क्राउन लिया है,
वो एक रक्षा ड्राइवर की बेटी हैं। जी जनाब, रक्षा ड्राइवर की बेटी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करके वहाँ का एक मतलब रनर अप कही सही, लेकिन एक उन्होंने क्राउन विन किया है, तो लोग उनको बहुत ज़्यादा मतलब अब खबरों में लेकर आ गए हैं। वो इस वक्त लाइमलाइट में है। लेकिन मान्या की स्टोरी यह है कि 14 साल की उम्र में वो अपने घर से भाग के मुंबई आ गई थी। यार 14 साल की उम्र में कसम से मुझे तमीज़ नहीं थी किसी चीज़ की, मतलब सीरियसली घर से भागना मतलब बहुत हिम्मत वाले लोगों ने। और राइट, तो लोग उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी उन्होंने घर से भाग के एक अच्छा फैसला किया और आज वो कुछ बन गई है। लेकिन जो कुछ बन गया उसे तो लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन सोचें जो घर से बाहर निकले और कभी कुछ बने ही नहीं, जिनकी लाशें नहीं मिलती, जो तवा बर्बाद हो जाते हैं, चाहे वो मर्द हों, लड़के हों, औरतें हों, कुछ भी हों। तो लिसनर्स, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी घर से बाहर जाने का फैसला ना करें, चाहे आप छोटे हैं आप बड़े हैं। आपका घर सबसे बड़ी आपके लिए पनाहगाह है, आपके माँ बाप से बड़ा आपका अच्छा सोचने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव बहुत कुछ आप करना चाहते हो, यू वांट टू बी यू नो पता नहीं कुछ बनना चाहते हो ना आप, तो बस आपने करना है, लेकिन उन लोगों के साथ, क्योंकि उनके बगैर आप कुछ नहीं हो। तो ठीक है, मान्या कुछ बन गई, यू नो इज़ अप्रिशिएटिंग, लेकिन अगर यही मान्या किसी बैड इंसिडेंट का शिकार हो जाती तो क्या हम याद करते, हम कहते देखा घर से भागी क्यों थी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है, इसको बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना कि वो हम भी इस जैसे बन सकते हैं, नहीं। खैर, हमारा ये कल्चर भी नहीं है और हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता, और ये बिल्कुल ठीक, मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। और राइट, आप लोगों के साथ वक्त गुजरने का एहसास हमेशा मुझे नहीं होता कि कब 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 जाने का टाइम आ जाता है। तो फाइनली वक्त हो गया है जाने का। आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और वक्त ज़िंदगी और हालात ने साथ दिया, मौका रहा तो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपसे शो में फिर मिलूंगी बहुत सारी बातों के साथ, सोशल राउंड अप के साथ, व्हाट्स ट्रेंडिंग व्हाट्स नॉट ट्रेंडिंग एंड और बहुत सारी बातों के साथ। ठीक है जनाब, तो जब तक आप लोग करें अपने बहुत सारे काम, और आप तक करने का तरीका बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ जाते जाते कि www.facebook.com/sabkasath। सेकेंड तरीका है www.youtube.naisuba। ठीक है जनाब, तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। टाटा, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता।